हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मुकुंद माधव किचन एम एस में। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ ये तवा इडली की रेसिपी। ये तवे पे बहुत आसानी से बन जाती हैं फ्रेंड्स, और बहुत ही जल्दी से बन के तैयार भी हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। तो फ्रेंड्स, रेसिपी को बनाने के लिए हमने 1.5 कप चावल लिए हैं, 1 कप उड़द दाल ली है और 2 चम्मच हमने मेथी दाना डाला है। फ्रेंड्स, इसमें इनको हमने 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दिया है, अच्छे से भीग गए हैं, दाल हमारी अच्छे से फूल गई है। और 1 कटोरी हमने ये साबूदाना लिए थे, इनको हमने भिगो दिया था, ये भी अच्छे से भीग गए हैं। फ्रेंड्स, अब हम दोनों को मिक्स करके इसका पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो हमने सभी चीज़ों को पीस के इसका पेस्ट बना लिया फ्रेंड्स, बारीक। देखिए इस तरीके से अच्छे से मिला लेते हैं एक बार। अब स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। ये फ्रेंड्स हम सेंधा नमक यूज करते हैं, आप सादा नमक यूज कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसको हम ढक कर रख देते हैं 10 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, अब हमने तवा को रख दिया गर्म होने के लिए और 1 छोटा चम्मच हम ऑयल डाल देते हैं पहले, चारों साइड फैला देंगे। तो फ्रेंड्स, तवा गर्म हो गया है, अब हम इसमें डाल देते हैं 1-1 चम्मच भर के इडली बना देते हैं मतलब। तो फ्रेंड्स, आपको जितनी बड़ी छोटी इडली बनाना उतना बेटर डालें। इस तरीके से हम डाल देते हैं, अपने आप से फैलने देंगे, जितनी एक बार में आ जाएंगे उतनी डाल देंगे फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, इसको हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि अच्छे से पक जाएं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये अच्छे से एक साइड से सिक गए हैं, अब हम इनको पलट देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने अच्छे से इडली को पलट दिया है और ये दूसरी साइड से भी सिकने ही वाली हैं। थोड़ा सा हम ढक देते हैं 1 मिनट के लिए, बहुत जल्दी सिक जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इडली हमारी सिक के तैयार हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं और इसी प्रकार हम सभी इडली बना लेते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी बनी है, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम इडली को सर्व कर लेते हैं। आप चाहते हैं इसको सांभर के साथ सर्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसको मूँगफली की चटनी के साथ सर्व कर रहे हैं। आप नारियल की चटनी, सांभर किसी के साथ सर्व कर, फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी लगती हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी ज़रा भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस तरीके से बहुत ही जल्दी से बन जाता है हमारा ये नाश्ता। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।